नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्पीड अप ए पीसीज, यानी सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, या तो सिस्टम को अगर आपको स्पीड करना है तो उसके लिए जो दो स्टेप मैं आज बता रहा हूँ पे इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे जाना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू और यहाँ पे रन पे जाइए और यहाँ पे लिखिए यहाँ पे EVENTVWR यानी इवेंट व्यूअर। तो जैसा आप इसको टाइप करते हैं यहाँ पे रन कमांड के अंदर, तो एंटर प्रेस कीजिए। सो एंटर प्रेस करने के बाद जो विंडो यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है इवेंट व्यूअर का, तो यहाँ पे जो इवेंट्स व्यूअर से लाइक एप्लीकेशंस, यहाँ पे देखिए 24 इवेंट्स, यानी जो भी हमने सिस्टम जितने बार भी प्रोग्राम या तो जो एप्लीकेशन हम ओपन करते या क्लोज करते उसका हर एक का यहाँ पे लॉग फाइल क्रिएट होता है, उसको रिमूव करना है यहाँ से। तो जैसा मैंने फर्स्ट यहाँ पे जो सेलेक्ट किया इवेंट व्यूअर के अंदर, एप्लीकेशन के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे बोल दीजिए क्लियर ऑल इवेंट्स। तो ये पूछेगा आपको डू यू वांट टू सेव एप्लीकेशन बिफोर क्लियरिंग इट, तो इसको नो बोलिए ताकि ये सेव करने जरूरत नहीं है। और सेकंड में आप ऑप्शन में अंदर आइए यहाँ पे सिक्योरिटी, जस्ट राइट क्लिक ऑन सिक्योरिटी ऑप्शन एंड देन से क्लियर ऑल इवेंट्स, और उसके बाद में इसको भी बोल दीजिए यहाँ पे नो बोल के। और वैसे सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पे सिस्टम के अंदर 33 इवेंट्स हैं यहाँ पे, और इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर ऑल इवेंट्स बोलिए और इसको भी से नो बोल दीजिए इसको। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का, इसमें तो जीरो है फिलहाल यहाँ पे, और लास्ट में जो यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेशन बोल के, इसका भी जीरो है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी अगर कुछ ज़्यादा है यानी जो इवेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको आपने क्लियर करना है, इससे कुछ सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन आपका जो सिस्टम जो है बढ़िया स्पीड चलेगा। और दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी टेम्पोरी फाइल्स सिस्टम के अंदर रहता है उसको अगर आपने रिमूव करना है तो फिर से आपको रन कमांड के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज बोल के यहाँ पे और एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद में जो भी टेम्पोरी फाइल्स रहता है आपके सिस्टम के अंदर, ये देखिए ये पूरे टेम्पोरी फाइल्स यहाँ पर है, इन सारे टेम्प फाइल को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए इसको, यानी आप इसे डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ये जो आपको सिस्टम का अगर आपको स्पीड करना है तो ये रेगुलर करना आपको बार बार, ताकि आपका जो सिस्टम जो है एकदम मतलब अपडेटेड रहता। तो धन्यवाद, मेरा और भी जो जो वीडियो आने वाला आगे उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।